अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एमएपी में से प्लम्बिंग का पार्ट कर रहे थे और प्लम्बिंग का पार्ट में से हमने भी डोमेस्टिक किया था, ठीक है। और अब हम सैनिटरी करेंगे। सैनिटरी के अंदर हमने क्या करना है कि हमने इसके फिक्स्चर भी जो उनसे है वो हम इसके साथ ही डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर उसने जो लीनियर फिट में पाइप शो किया हुआ है, 3 इंच का पाइप, वेस्ट का पाइप शो किया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे ये डॉटेड लाइन में ये वेंट का पाइप चल रहा है, ठीक है। सॉलिड लाइन में जो पाइप चल रहा है ये वेस्ट का पाइप है, डॉटेड लाइन में जो चल रहा है वो वेंट का पाइप है। इसके अलावा यहाँ पर और पाइप इसने शो नहीं किए। और भी पाइप अगर आएंगे तो जैसे कि ये देखे आरएल पाइप है और इस तरह कंडेंसेट पाइप, ये पाइप क्या जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लीनियर फिट वाले मार्क कर लेते हैं। अब इसमें से जो ब्रांचेज निकल रही है, अब ये तो 3 इंच का जो ब्रांच निकल रही है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, राइजर देखेंगे। राइजर में से देखेंगे तो ये ब्रांचेज भी 3-3 इंच की ही निकल रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये लिखते हैं यहाँ पर 3 इंच वेस्ट पाइप। इसके अलावा ये जो फिक्चर के साथ अटैच हो रहे होते हैं, फिक्चर के साथ जो अटैच हो रहे होते हैं इसकी डिटेल अगर आपने देखनी हो, जैसे कि छोटे छोटे पाइप हैं ये वाले, तो ये पाइप आपको इसकी डिटेल पता चलेगी जहाँ पर इसने फिक्चर की डिटेल दी होती है, यहाँ पर नीचे दी होगी, ये फिक्चर की डिटेल दी हुई है। इसके हिसाब से बताया होता है कि कौन सा पाइप इसके साथ चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर थे, ये P6 है, ठीक है। P6 हमारा क्या है, यहाँ पर P6 कूलर है और कूलर जो सा है उसके साथ ये देखिए वेस्ट का 2 इंच का पाइप चल रहा है, लेकिन हमने कौन सा चलाया, यहाँ पर 3 इंच का ही चला दिया। तो यहाँ पर जो सा ना वो 2 इंच का पाइप आएगा हमारा। अब ये सेंटर में जो पाइप चल रहा है हमारा, अभी ये सेंटर में जो पाइप चल रहा है वो हमें पता चलेगा यहाँ से, ये जो प्लान उसने दिया हुआ है, सॉरी राइजर से, ये 6 इंच का हमारा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे और ये मैं लीनियर पाइप हो गए, लेकिन ये आरएल का पाइप है अभी, ठीक है। इसके बाद वेस्ट के पाइप हो गए हमारे लीनियर वाले। इसके बाद हमारा आएंगे वेंट वाले पाइप और आरएल पाइप। वेंट वाले पाइप जो उनसे हैं ये हमारे डोमेस्टिक पाइप जैसे सीलिंग के अंदर चल रहे होते हैं, उन्हीं के साथ ही ये वेंट वाले पाइप जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा ये अब हमारा आता है ये वेंट पाइप। वेंट पाइप अगर हम देखें तो ये सारे 2 इंच का ही चल रहा है, ठीक है। तो
हमारे लीनियर वाले पाइप हो गए। उसके बाद हमने इसके राइजर करने हैं, ठीक है। राइजर जो है ये बिल्कुल जैसे हमने उसके राइजर किए हैं, मैंने यही ज्यूम किया था कि जो फिक्सचर है वो 3 फीट के ऊपर लगा हुआ है। हालांकि ये 3 फीट के ऊपर सारे नहीं लगे होते हैं, कोई 1 फीट के ऊपर लगा होता है, कोई 3 फीट के ऊपर लगा होता है, कोई 4 फीट के ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो हर एक की हाइट जोन से है वो डिफरेंट होती है। मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ, वैसे इनकी हाइट जोन से है वो इनके मुताबिक ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं इसकी एवरेज लेकर चल रहा हूँ। जैसे मैंने डोमेस्टिक के अंदर इसकी एवरेज ली है कि नीचे वाले जो भी हाइट है फिक्सचर्स की वो 3 फीट है, तो मैंने ऊपर वाले जोन से वो 7 फीट ली है, इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर 3 फीट ही लूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं। अब ये जो पाइप है ये वाले दो के हैं, और मैं इसको लेता हूँ, ये लेकिन ये जो फ्लोर ड्रेन वाले होते हैं ना, ये फ्लोर ड्रेन वाले जो उनसे हैं ये कुछ ज्यादा ही इनके नीचे होते हैं, तो मैं इसको 3 फीट नहीं, मैं इसको 1 फीट तक लूंगा। इसके अलावा ये भी है, ये जो है वो वाले आ जाएंगे। इसके अलावा इसके हाइट ज़्यादा, तो मैंने इसको ये ले लिया। और यहाँ पर आते हैं पहले भी, उसके बाद अब इनके जो उनसे हैं और राइजर है वो अब मैंने इसको लिया है 1 फीट, ठीक है। तो ये बेटा, ये भी तो एक ही फुट है, तो ये ऊपर वाले जोन से है वो 9 फिट होंगे। इसको मैं ले लेता हूँ 7 फिट, ये हमारे इसके राइजर हो गए, ठीक है। ये भी रहता है, उस बात है इसके कनेक्शन, कनेक्शन के अंदर की क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि अब ये जो बिलो ग्रेड चल रहे होते हैं, बिलो ग्रेड के अंदर यहां पर अब ये वाई नहीं होगा, ये जो है ना ये कम्बो फिटिंग है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा अगर यही चीज ऊपर वाले फ्लोर में चल रही होगी तो वो हमारी टी आएगा या वाई आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे जोन है ना ये कम्बो फिटिंग ही आएगी बिलो ग्रेड में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये 90 डिग्री के बैंड है, और इसके अलावा अगर ऊपर चल रहे होंगे तो ये 45 डिग्री के बैंड आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कम्बो फिटिंग है, क्योंकि तो
मैं इसको कैसे करूंगा। अब यहाँ पे 6 इंच है, आगे भी 6 इंच जा रहा है, यहाँ पे 3 इंच का है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 6 इंच क्रॉस, 6 इंच क्रॉस, 3 इंच, कॉम्बो फिटिंग, ये कम्बो आ जाएगा। और इस तरह हमने इसका 90 डिग्री का बैंड लेना है, जैसे कि यहाँ पे 2x2 का 90 डिग्री का बैंड है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच क्रॉस, 2 इंच, इसके अलावा यहाँ पर जैसे ये टीया आ रहा है, तो ये 2x2x2 का टीया, तो ये हो जाएगा। इसी तरह ये जितने भी इसके कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल इसी तरह से ही होंगे।